25 से 30 साल चाहिए एक अरब गिनती गिनने के लिए। टसा आप समझ ले कीड़ा है हवा में उड़ने वाला, उसके एक ढेले के अंदर 25,000 आंखें हैं। खुदा उभरता है, खुदा जितना उभरा है ना जी इस लेटेस्ट वर्ल्ड के अंदर साइंटिफिक फिनोमेना। सो गाइज अज का जो आप एपीसोड लैके आए ना, तुम इनू कह सकते हो भी एक इस्लामिक हिस्ट्री रिलेटेड है, क्योंकि तुम बड़े लोगों ने आपू लगातार इस वीडियो की रिक्वेस्ट किया। वीडियो हैगी है इंजीनियर मुहम्मद अली मिर्जा साहब, ठीक है, इन्हों की एक इस्लामिक स्कॉलर ने। लोग मैं कहें कि यार इन दीडियोज़ देखो, वो 101% जैनुअन है, ऑनैसट है, एंड बिल्कुल इस्लाम के अकॉर्डिंग है। नहीं तो बाकी कहें काफ़ी सारिया मिलावट है, जो लोग अपने अकॉर्डिंगली सीधा वो चीज़ा करते हैं। सो अज जी वीडियो देखते क्रिएशन टू क्रिएटर तक, वीडियो इंटरेस्टिंग होएगी, कुछ नवं जानेंगे, कुछ नवं सीखेंगे, आओ एक्सप्लोर करते हैं। इस वक्त मेरे भाइयों, इस हमारे मिरेकल प्लैनेट जमीन के ऊपर अर्थ पे 2 मिलियन स्पीशीज दरियाफ्त हो चुकी हैं। हाँ। नबातात और हैवानात की, यानी पौधों और जानवरों की मिलाकर 20 लाख स्पीशीज। 20 लाख, 20 लाख टोटल मखलूक की तादाद नहीं है, उन स्पीशीज में से सिर्फ इंसान एक स्पीशीज है, और इंसान ही 7 अरब के करीब तो है दुनिया में। 8 हो गए पिछले महीने, तो पता ही है। इस तरह गिनना शुरू कर दे, इंसान, घोड़ा, कव्वा, चील, मुर्गी, खच्चर, यूं आप गिनते चले जाएं, इंसान के अलावा जितने भी सूए अर्ज पे आबाद हैं चीजें, चाहे वो जानवरों में से हो, चाहे वो नबातात पौधों में से हो, तो इनकी स्पीशीज 20 लाख हैं, और ये अभी वो हैं जो दरियाफ्त हुई हैं। और साइंटिस्ट हमें बताते हैं कि 1 स्क्वायर इंच भी इस जमीन का ऐसा नहीं जहां पे कोई लिविंग थिंग ना हो। 1 स्क्वायर इंच यानी इंच बाई इंच का जो डब्बा है ना, इतनी जगह भी ऐसी नहीं है जो खाली हो किसी जिंदा मखलूक। सही गल है। आप ये कहेंगे वहां हमें कुछ नहीं नजर आ रहा, जनाब ना नजर आने वाली मखलूक है जो खुर्दबीन से आपको नजर आ जाती है। इवन खुर्दबीन के जरिए अगर हम अपने जिस्म पे देखें ना, तो ये बैक्टीरिया ही बैक्टीरिया नजर आएंगे जो हमारे जिस्म से खुराक हासिल कर रहे हैं, लेकिन अभी देखने में तो नहीं वो नजर आते, वो छोटे हैं। एक मैं एक होर रिसर्च सी किसी दी, मैं उच देखा कि कहिंदे अपनी बॉडी ना, अपनी बॉडी बॉडी दे बाहर ते बॉडी दे अंदर कई करोड़ां इदां दे जीव है जिहड़े रहिंदे है, मतलब ओह उहनां दी दुनिया है अपना शरीर। ते क्या कुदरत है यार, कुदरत बनाउण वाला क्रिएटर है जिहड़ा, देखो किन्ना तगड़ा ओह रब। एक स्क्वायर इंच भी ऐसा नहीं है जहां कोई लिविंग थिंग ना हो, तो स्पीशीज की तादाद फिर एक स्पीशीज की किस लेवल तक होगी। सिर्फ इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े जमीन पे इतने हैं कि जमीन पे बसने वाले हर इंसान को अगर 20 करोड़ कीड़े दे दिए जाए, यहां 100+ लोग बैठे हुए हैं, आप में से हर एक को मैं कहूं कि 20 करोड़ आपके 20 यानी 200 मिलियन, 200 मिलियन हर बंदे को मैं कीड़े अलॉट करना शुरू करूं और 7 अरब इंसानों को अलॉट कर दूं, तो इससे ज्यादा इंसेक्ट्स हैं सिर्फ ब्लू अर्थ के ऊपर। ये कैलकुलेटर फेल हो जाएगा, आप जरा 200 मिलियन को मल्टीप्लाई करें 7 बिलियन के साथ। 1 बिलियन जो है ना, वो इतना बड़ा फिगर है कि अगर कोई शख्स 24 घंटे गिनती गिनता रहे, 25 से 30 साल चाहिए एक अरब गिनती गिनने के लिए। जाहिर है दिन रात में 86,400 सेकेंड है, हर सेकेंड में भी एक दफा गिने तब भी आप 1 लाख को पूरा नहीं करेंगे, और बाकी काम भी बीच में करने हैं, वो सब कुछ भी छोड़ दें तब भी आप। कितनी सोनी गल की है यार, सीरियसली गाइस, 1 लाख दफा भी गिनती आप गिन लें तो कई साल चाहिए एक अरब पूरा करने के लिए। तो ये 7 अरब इंसान, और हर इंसान को 20 करोड़ 200 मिलियन कीड़े, आप जरा ये कैलकुलेट करें, और ये तो इनकी तादाद है। अभी तो हम ये डिस्कस ही नहीं कर रहे मेरे भाई कि एक एक स्पीशीज के अंदर अल्लाह ताला ने जो क्वालिटीज रखी हुई है वो क्या है। मैं अक्सर मिसाल देता हूँ ड्रैगन फ्लाई की, इंसान को तो छोड़ दे बहुत कॉम्प्लेक्स है, ये जो हेलीकॉप्टर हम जिसे कहते हैं, हाँ अपने भी इधर हेलीकॉप्टर कहते हैं, एक छोटा सा आप समझ ले कीड़ा है हवा में उड़ने वाला,
उसके एक ढेले के अंदर 25,000 आंखें हैं। हैं? और आप देख लें, वो जिस अंडे से निकलता है ना, वो बाल पॉइंट के नुक्ते जितना अंडा है। जमीन और आसमान की मखलूकात मिलके कोई अंडा ऐसा नहीं बना सकती जिसमें से ड्रैगन फ्लाई निकल आए। मुर्गियां जो अंडे देती हैं, कबूतर जो अंडे देते हैं, उनमें से उनके चूजे निकलना, वो तो अनइमेजिनेबल है, वो तो कुछ सोच नहीं सकता। जमीन और आसमान की सारी मखलूकात मिलके एक बीज ऐसा नहीं बना सकती जिसको जमीन में बोया जाए और 6 अरब गुना बड़ा दरख्त बन जाए। तो जो काम करने से नहीं हो सकता, वो खुद ब खुद कैसे हो सकता है? और इस क्रिएशन का क्लाइमेक्स इंसान है। इंसान पे ही बात की जाए ना तो 1 घंटा चाहिए इंसान को, जो अल्लाह ने क्वालिटीज दी हैं जिसका उसे खुद भी नहीं पता था। अच्छा मुझे बताएं, जिन क्वालिटीज का हमें खुद ही नहीं पता कि है हमारे अंदर, तो कितना कोई बेवकूफ होगा कि वो कहे कि ये क्वालिटीज मैंने खुद अपने अंदर रख ली है या मेरे माँ बाप ने रखी है। हमारे तो माँ बाप को भी नहीं पता उन चीजों का, आज जो हमें साइंस बता रही है। 1,00,000 दफा रोजाना हमारा दिल धड़कता है, 1,00,000 दफा, बगैर किसी पंप के, बगैर किसी एक्सटर्नल फ्यूल के, 1,00,000 दफा, 1,00,000 दफा। अच्छा, और 1,00,000 दफा धड़कने के बाद वो 10,000 लीटर खून पंप करता है हमारी नसों में, हर बंदे के। एक इंसान के जिस्म में जो नसों की लेंथ है ना, ये आपकी जो नर्व्स हैं, ये मैं भी सुने हुए हैं, खून की नालियां, इसकी लेंथ इतनी ज्यादा है कि एक बंदे की अगर सिर्फ नसें जोड़ी जाए तो जमीन के 2.5 चक्कर लग सकते हैं। ये मैं इतना सुनी सी गल कि जेकर अपने नसा बाहर कर लो ना, अपने इतों लैके तो चंद्रमा तक उन्होंने सीधा कर दिता जाए भी इन नसा अपने इन्नी लंबी नस बन चुकी। 40,000 किलोमीटर जमीन का सरकमफेरेंस है, 1,00,000 किलोमीटर 2.5 चक्कर जमीन के लग सकते हैं। उन सारी नसों में खून का पहुंचना और वो खून अपने अंदर ऑक्सीजन लेकर जाए, एक एक खुलिए तक पहुंचना, और खुलिए की तादाद सैकड़ों में, हजारों में, लाखों में, करोड़ों में, अरबों में नहीं है, 100 ट्रिलियन सेल्स हर इंसान के अंदर मौजूद है। 1 ट्रिलियन 1,000 अरब के बराबर है, 1,000 बिलियन के बराबर, और 1 अरब मैंने आपको बता दिया कितना बड़ा है। तो 100 अरब हर बंदे के जिस्म में खुली हैं। तो साइंटिस्ट कहते हैं तो आप साफ कर ही नहीं सकते, आपको बस मुख्तसर बता देते हैं कि इंग्लैंड जैसे 30 मुल्क हों और उन 30 मुल्कों में सिर्फ दरख्त ही उगे हुए हों और उन दरख्तों के जितने पत्ते होंगे ना उतने एक जिस्म में खुलिए, और खुलिए ये ना समझे कि वो ऐसी कोई चीज है। एक खुलिए के अंदर इतने सिस्टम है कि न्यूयॉर्क सिटी जितनी जगह चाहिए अगर हम एक खुलिया हमें बनाना पड़ जाए, जो कुछ उसके अंदर सिस्टम मौजूद है। सोचिए बस, इंसान फिर यही कह सकता है अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा व सुभानल्लाह बुकरतन व असीला। अभी एस्ट्रोनॉमी की फील्ड में जाए तो बंदा पागल हो जाता है। आज तो हमें टेलीस्कोप के जरिए क्या कुछ पता चल चुका है, नासा की रिपोर्ट्स तो आए दिन डिस्प्ले होती रहती हैं, इस पे मेरी वीडियोस भी आती रहती हैं। इस वक्त नासा ने जो डिस्कवरी की है ना, उसके तहत 250 बिलियन गैलेक्सीज हैं इस कायनात के अंदर, 250 अरब, और अरब मैंने आपको बता दिया कितना बड़ा फिगर है। हर गैलेक्सी में 300 अरब से ज्यादा सूरज है, उनमें से एक सूरज ये है। इस तरह के 300 अरब सूरज सिर्फ हमारी गैलेक्सी मिल्की वे में है और ये एक गैलेक्सी है, और इस तरह की 250 अरब गैलेक्सीज और है। एंड नाउ जेकर आप गल सोचिए, कई लोग डिनाई करते हैं कि एलियंस नहीं है, मतलब इन्नी वड्डी दुनिया के विच आप इन्ने खास है नहीं कि सिर्फ अपने जरा 8 अरब आप लोग ही रहने हैं। ठीक है, आप एक स्टार सिस्टम के एक अर्थ के आप रहने तो हर स्टार सिस्टम के किन्ने ग्रह, पता नहीं किन्ने ग्रह में जीवन है। सो ये गल तो छड़ दो कि तुम खास हो भाई, आम ही आप सारे आम है, जरा अमीर है भावें गरीब है। और ये साइंटिस्ट कहते हैं इतना बड़ा फिगर है कि दुनिया में जितने समुंदर हैं उनके किनारे पर रेत के जर्रों की तादाद है ना, उससे ज्यादा स्टार्स और प्लैनेट्स इस कायनात के अंदर। सही है, कैलकुलेट ही नहीं कर सकता। और ये वो चीज है जो उन्होंने कैलकुलेट किया। लोग कहते हैं उन्होंने गिने कैसे होंगे, वो एक थोड़ा सा एरिया कंसिडर करते हैं, उसके बाद ओवरऑल लेके उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं।
यानी अगर मैं आपको बता दूं कि बास्केट का साइज इतना है, इसमें इतने अंडे आते हैं, तो ये हमारा हाल जो है इसमें कितने अंडे आएंगे, तो आप कहेंगे जी इस हाल का साइज बताएं, उसे मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर लेते हैं। ये नहीं होता कि वो एक एक करके गिनते हैं, वरना तो उनको भी लाखों साल चाहिए गिनने के लिए, ओवरऑल कैलकुलेशन वो कर लेते हैं। तो ये एक अलग से टॉपिक है बहुत बड़ा। इस टॉपिक के ऊपर मेरे यूट्यूब के ऊपर कई एक वीडियोस हैं, उनमें टॉप ऑफ द लिस्ट मेरी वीडियो आज से ऑलमोस्ट 12 साल पहले रिकॉर्ड हुई थी 2008 के अंदर, हु इज अल्लाह, अल्लाह कौन है, जदीद साइंसी हकायक की रोशनी में। उसके बाद फिर एक और वीडियो मेरी रिकॉर्ड हुई आज से ऑलमोस्ट 7 साल पहले, मसला नंबर 83B के उनवान से, हु क्रिएटेड गॉड, अल्लाह को किसने पैदा किया और जदीद शैतानी वसवसों का तहकीकी जायजा, जिसमें मैंने दौरे हाजिर के एक बहुत बड़े लीडिंग एथियस्ट प्रोफेसर रिचर्ड डॉकिंस की किताब है द गॉड डिल्यूजन, उसका मैंने इल्मी मुहासबा किया था, वो देखने वाली वीडियो है, मसला 83B। आप हु क्रिएटेड गॉड, अल्लाह को किसने पैदा किया, इस तरह के अल्फाज देखें तो वो वीडियो आपके सामने यूट्यूब पे आ जाएगी। फिर ऑलमोस्ट आज से 2 साल पहले मैंने कुरान एंड मॉडर्न साइंस के नाम से एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई थी, वो इंग्लिश सबटाइटल के साथ भी आ चुकी है, ऑलमोस्ट 1.25 घंटे की। उसमें एक हिंदू भाई ने कुरान हकीम पे एक एतराज़ किया था, तो उसके जवाब में मैंने पूरी डॉक्ट्रिन क्लियर की थी कि कुरान हकीम में जो साइंटिफिक फैक्ट्स हैं उनको आपने किस हवाले से लेना है। कुरान जो है ये लिटरेचर की बुक है, ये साइंस की किताब नहीं है, अलबत्त फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर पर बात करती है, तो इसको लिटरेचर की ज़ुबान में लेना होगा, और इस हवाले से जो मुख्तलिफ़ चीज़ें सामने आती हैं गैर मुस्लिमों के एतराज़ात, उसमें मैंने ओवरऑल डॉक्ट्रिन कवर की थी। फिर ऑलमोस्ट 8 साल पहले एक फितना उठा था, ये क्या ज़मीन साकिन है, उसके ऊपर भी मैंने एक डिटेल वीडियो दी थी, उसमें मैंने कई एक साइंटिफिक फैक्ट्स के हवाले से डिस्कशन की थी। मेरा ख्याल है इतनी डेप्थ तो किसी और ने गुफ्तगू, डॉक्टर जाकिर नायक का तो एक आध लेक्चर है, वो भी बिल्कुल सफी किस्म की गुफ्तगू है, जो बिल्कुल क्रिटिकली चीज़ों को एक एक इशू को रिजॉल्व करना, ये नसीब वालों का हिस्सा है, अल्लाह ताला जिसको इस काम के लिए उठाए। तो मैंने यानी हर एतबार से कई एक वीडियोस मेरी, आज मैंने पता लगा कि तुम सारे जने क्यों लगातार कह रहे हो कि भाजी इन्होंने वीडियोस देखो, बिकॉज आई थिंक इन्होंने को प्लेंटी ऑफ नॉलेज है यार, बहुत लाइक जिम्मे गुरु ग्रंथ साहब आप कहने ना कि साइंस के अजक जो साइंस फाइंड कर रही है वो गुरु ग्रंथ साहब ऑलरेडी मैनशनड है, उस तरह कुरान के भी ऑलरेडी मैनशनड है कई चीज़ा जो साइंस मतलब हूँ दस रही है कि असी आह खोज की नवी, सो अगर देखते हैं आज रिकॉर्डेड है उसके लिए बड़ा। फिर ब्लैक होल की डिस्कवरी हुई 8 से 2 साल पहले, उस पर मेरी एक वीडियो आई थी, तो आप यूट्यूब पे जाके साइंस और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा लिखते हैं तो वो सारी वीडियोस हैशटैग के साथ आपके सामने आ जाएंगी, एक एक करके देखना शुरू करें। अब मैं वो सारी बातें, ये मेरा बड़ा फेवरेट टॉपिक है, मैं एक घंटा और फिल्मी इनफैक्ट्स पे बोल सकता हूँ, लेकिन अब ऑलमोस्ट आधा घंटा पीछे बाकी रह गया, तो मैंने ये आयत भी मुकम्मल करनी है। मैंने ओवरऑल एक इस हवाले से आपको बताया कि कोई छोटी चीज़ नहीं जो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि आसमान और ज़मीन की पैदाइश में और रात और दिन के आने जाने में। अब ये रात और दिन का आना जाना ये कोई छोटा मामला है? आज तो मतलब साइंस की वजह से हमें जो चीज़ें पता है, हमसे पहले तो लोगों को पता ही नहीं थी, उनका तो ईमान बिलगैब था जिन बातों पर, हमें तो वो चीज़ें सामने नजर आ रही हैं। 3 बड़ी बड़ी मोशंस जो डिस्कवर हुई हैं ना ज़मीन की, उनमें से पहली मोशन यह है कि जमीन हर सेकंड में आधा किलोमीटर अपने महवर के गिर्द घूमती है, 1 सेकंड में आधा किलोमीटर, जिसकी वजह से 24 घंटे में हमारा दिन रात मुकम्मल होता है। अच्छा एक गल मैं ऐड कर देना, जब आप कई बार गोल गोल घूमते हैं तो आप चक्कर आते हैं ना, वो चक्कर आने का रीजन यही होता है क्योंकि जी अपनी पृथ्वी है ना बहुत तेजी गोल गोल घूम रही है, क्योंकि आप दैट्स वाई आपको पता नहीं लगता, जो आप बस च बैठे कार च बैठे कार भावें 120 ते होवे आपां नूं अंदर थोड़ा पता लगता कि इन्नी तेज है, सो वो चीज़ है जे आप धरती बाहरों दूरों देखिए तो बहुत तेज घूमती है। मैं इक्वेटर की बात कर रहा हूँ, उसके इर्द गिर्द नॉर्थ और साउथ पोल की बात नहीं कर रहा, वहाँ तो सूरज विद रिस्पेक्ट टू जमीन जो है उफक के साथ चल रहा होता है, वो अलग मामला होता है, वो फिर आपको पूरी साइंस समझानी पड़ेगी, रात नहीं होती डिस्कशन में बात कर रहा हूँ। अच्छा गल ऐड करा पक्का
ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੰਨਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਆ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਦੱਸਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਪਤਾ ਕੀ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਨਾਲੇ ਮਤਲਬ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਵਧੀਆ, ਚਲੋ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੌਰਥ ਪੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਵੀ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿਨ ਰਹਿੰਦਾ। ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਆ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਕੀ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਕੇ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਤੋਂ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਆਧਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਵੋ ਹੈ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਕੇ ਅੰਦਰ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੂਰਜ ਕੇ ਗਿਰਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਇਸ ਰਫਤਾਰ ਕੋ ਸੋਚ ਸਕਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਮੇਂ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਯੇ ਗੋਲੀ ਕੀ ਰਫਤਾਰ ਸੇ 60 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਫਤਾਰ ਹੈ ਯੇ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਮੇਂ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਗੋਲੀ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਮੇਂ ਆਧਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸੂਰਜ ਕੇ ਗਿਰਦ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਜਿਸਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ 365 ਦਿਨੋਂ ਮੇਂ ਹਮਾਰਾ ਸਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਰਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਯੇ ਦੋ ਤੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਬੰਦਾ ਦਿਮਾਗ ਮੇਂ ਸੋਚ ਸਕਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੀਸਰੀ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਵੋ ਜ਼ਮੀਨ ਔਰ ਪੂਰਾ ਹਮਾਰਾ ਯੇ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਸਮੇਤ ਹਮਾਰੇ ਸੂਰਜ ਕੇ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਮੇਂ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੀ ਰਫਤਾਰ ਸੇ, ਇੱਕ ਸਟਾਰ ਵੈਗਾ ਹੈ ਉਸਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ 15 ਅਰਬ ਸਾਲ ਸੇ ਟ੍ਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਆਪ ਜ਼ਰਾ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਲੈਂਥ ਦੇਖ ਲੈ, ਇਸੀ ਲਈ ਜੋ ਕਾਇਨਾਤ ਕੇ ਫਾਸਲੇ ਹੈ ਵੋ ਲਾਈਟ ਈਅਰਸ ਮੇਂ ਵਾਪਸ ਜਾਤੇ ਹੈ, ਵਹਾਂ ਤੋ ਆਪਕੇ ਸਭ ਕੁਛ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਤਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਮੇਂ ਜਿਤਨਾ ਫਾਸਲਾ ਤੈਅ ਕਰਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸੇ ਕਹਤੇ ਹੈ ਲਾਈਟ ਈਅਰ। ਔਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਨਾਬ ਘੋੜੇ ਕੀ ਰਫਤਾਰ ਸੇ, ਬੋਇੰਗ ਕੀ ਰਫਤਾਰ ਸੇ, ਮਿਜ਼ਾਇਲ ਕੀ ਰਫਤਾਰ ਸੇ ਨਹੀਂ ਚਲਤੀ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਕੀ ਰਫਤਾਰ ਹੈ 3,00,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ। 1 ਸੈਕਿੰਡ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਮੇਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੇ 7 ਚੱਕਰ ਕਾਟ ਸਕਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਕਦੇ ਵੀ ਅਚੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆਪਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਟ ਦੀ ਸਪੀਡ ਅਚੀਵ ਕਰ ਲਈ ਨਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਪੇਸਸ਼ਿਪ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਟ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ, ਦੈਨ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਕਈ ਸਾਇੰਟਿਸਟਾਂ ਦਾ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹਜੇ ਤਾਂ, ਕੋਈ 5-6 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਤਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ। 3,00,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਂ 1,86,000 ਮੀਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ 40,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਤੋ 7 ਚੱਕਰ ਕਾਟੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕੇ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਮੇਂ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਮੇਂ 7 ਚੱਕਰ ਜ਼ਮੀਨ ਪੂਰੀ ਕੇ ਕਾਟ ਲੇ, ਔਰ ਯੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਟ੍ਰੈਵਲ ਕਰਤੀ ਰਹੇ, ਤੋ ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਈਅਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਈਅਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੋ ਅੱਲਾ ਹੀ ਅੱਲਾ ਹੈ। ਆਪ ਮੁਝੇ ਬਤਾਏ, ਜਿਸ ਅੱਲਾ ਕਾ ਤਾਰੁਫ ਯੇ ਹੈ, ਤੋ ਬਾਬੇ ਕਿਧਰ ਆ ਜਾਏ ਬੀਚ ਮੇਂ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਬਾਬੋ ਕੋ ਤੋ ਯੇ ਜਬ ਹਮ ਬਾਤੇਂ ਬਤਾਏ ਨਾ, ਤੋ ਵੋ ਹਮਾਰੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਤੇ, ਤੋ ਕਹਤੇ ਹੈ ਜੀ ਵੋ ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿਆਂ, ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਸਾਇਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਐ ਵੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਫਿਰ ਬਈ ਆ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀ ਚ। ਆਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਉਭਰਾ ਹੈ ਵੋ ਅਲਾਮਾ ਵਹੀਦੁਦੀਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੰਡੀਆ ਕੇ, 95 ਈਅਰਸ ਉਨਕੀ ਏਜ ਆਲਮੋਸਟ, ਉਹਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਦ ਗੋਡ ਅਰਾਈਜ਼ਿਸ, ਖੁਦਾ ਉਭਰਦਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਭਰਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਇਸ ਲੇਟੈਸਟ ਵਰਲਡ ਕੇ ਅੰਦਰ, ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਫਿਨੋਮਿਨਾ ਕੀ ਡਿਸਕਵਰੀ ਕੇ ਬਾਅਦ, ਅਭੀ ਤੋ ਆਪ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਜੀਨ ਕੇ ਉੱਪਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ, ਯੇ ਜੀਨਸ ਕਿਆ ਬੁਲਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਔਰ ਨਬਾਤਾਤ ਔਰ ਹੈਵਾਨਾਤ ਕੀ ਰੀਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਾ ਕਿਆ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ, ਯੇ ਤੋ ਅਨਬਿਲੀਵੇਬਲ ਡਾਟਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਯੇ ਇਤਨਾ ਮੈਨੇਜੇਬਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹਮੇ ਕਹਤੇ ਹੈ ਕਿ ਯੇ ਸਾਰੀ ਕੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ੇ ਇਤਨੀ ਫਾਈਨ ਟਿਊਨ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਬਾਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣੀ ਨੋਕ ਪੇ ਖੜਾ ਕੀਆ ਜਾਏ ਤੋ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਤਨਾ ਬੈਲੈਂਸ ਆਪ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈ, ਇੱਕ ਅਰਬ ਸਾਲ ਤੱਕ ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨੋਕ ਪੇ ਖੜਾ ਰਹੇ, ਇਸ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ ਕੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਔਰ ਵੋ ਜ਼ਰਾ ਸਾ ਵੀ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਜਾਏ ਤੋ ਇਹ ਕਾਇਨਾਤ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਤੋ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਇਸਮੇਂ ਬਿਆਨ ਕੀਆ ਜਾ ਸਕਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਸਕੋ ਸਕਿਪ ਕਰਤਾ ਹੂੰ, ਬਾਕੀ ਅੱਲਾ ਸੇ ਹਮ ਉਮੀਦ ਕਰਤੇ ਹੈ ਕਿ ਯੇ ਅੱਲਾ ਕਰੇ, ਪਿਛਲਾ ਕੁਰਾਨ ਤੋ ਹਮਾਰਾ 344 ਲੈਕਚਰਸ ਮੇਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੁਆ ਥਾ 9 ਸਾਲੋਂ ਕੇ ਅੰਦਰ, ਤੋ ਇਸ ਦਫਾ ਤੋ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਯੇ ਕੋਈ 400 ਲੈਕਚਰਸ ਬਣ ਜਾਏ ਜਾਂ 450, ਲੇਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹਾ ਹੂੰ ਕਿ
इन डेप्थ गुफ्तगू की जाए, कोई तशनगी किसी की बाकी ना रहे कि इस आयत में ये एक इम्पोर्टेंट चीज थी जो इससे रिलेटेड थी, वो ब्रीफ करना जरूरी थी। बाकी तो कुरान की तफसील पिछले 1400 साल में सैकड़ों लिखी गई, हमारे बाद भी लोग बयान करेंगे, ये किताब कभी पुरानी नहीं होगी। हर आने वाला दौर कुरान हकीम की नई नई चीजें लोगों के सामने आश्कार कर रहे हैं, तो एक ना खत्म होने वाला मामला है। ये अल्लाह की किताब है, कोई इंसान की लिखी हुई किताब नहीं है। तो गाइस ऐसे की आई थी एक वीडियो, ये ना एक कुरान की आयत की डेफिनेशन कर रहे होने, स्टार्टिंग तो आपको पता नहीं लगा, लेकिन अज दियाँ मतलब मेरी तो फेवरेट वीडियो से मज़ा आ गया सीरीयसली, है ना। अज तुहाडा भी इंटरस्ट पूरा पै गया अज, अदरवाइज हाँ जी नहीं, क्योंकि उन्होंने सारी एक्सप्लेन किया किदा किदा हुंदा, वो उन्होंने पिक्चर्स भी दिखाइया, थोड़ा इंटरेस्ट आपे बन जाता है ना। यार मैं तो इदा दी वीडियोज़ होर बहुत बनाने वाला, मैंने इन्हों दी इदा दी साइंस नाल रिलेटेड वीडियोज़ पक्का भेजो। इसे वीडियो के नीचे तुसी कमेंट करके दस सकते हैं, क्योंकि जेडे मेरा यूनीवर्स वाले सिस्टम च बहुत ज़्यादा इंटरस्ट है शुरू तो ही, तो एक इदा दी गल नाले आपां सब कुछ पता लगता रहेगा, नाले आपां आ चीज़ देखांगे। एंड जी रोशनी वाली इन्होंने गल की ना कि लाइट की स्पीड वाली गल की है, जोड़ा हूँ सूरज है ना, सूरज की जी लाइट अपने तक पहुँचती है उन्होंने 8 to 8.5 minutes लगते अपने तक पहुँचने, मतलब जो आप देख रहे ना वो पास्ट है सूरज का, मतलब एडा वा सूरज देखो अपने तक पहुँचने उन्होंने 8.5 minutes लग रहे हैं, एक जो रोशनी आ रही थी कि स्पीड होएगी देखो। सो मज़ा आया भी, किन्नी कायनात जबरदस्त है ना, रब ने किन्ना सिस्टम बनाया अपनी बॉडी का, किन्निया नर्व्स है, किन्ना खून ब्लड सर्कल ये वो, हजी जेकर कले दिमाग की गल करो तो कले दिमाग ची पता नहीं किन्ना कुछ है। हाँ थोड़ा उन्होंने मतलब जिम्मे माड़ा माड़ा करके दसता उन्होंने भी, कहने मैं मेरा चैनल है उतो वेख सकते हो। इन गलों का मतलब ये है कि आप जे जिमें उन्होंने गल की ना बाबा की, जेडे बाबे वो कहें भी असं आह कर देंगे वह कर देंगे, भविष्य दस दें फ्यूचर दस दें, उन्होंने इन्होंने तकरीर कसी है कि तुम थोनू ये तो पता नहीं भी अल्लाह है कौन, भी रब है कौन। देखो रब ने इन्ना तगड़ा सिस्टम क्रिएट किया, इन्ने इन्ने जीव जंतु उन्होंने सारा स्टार्टिंग कि डीपली दसिया आपां नूं, ते उहदी बराबरी कौन कर सकता यार, कोई नहीं कर सकता। सो मज़ा आया भी वीडियो, इदां दियां होर देखने लई साडे चैनल नूं सबसक्राइब करो जरूर, एंड कमेंट पक्का करके जायो। मिलते हैं किसी और वीडियो, सानू इजाजत, सत श्री अकाल।